नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, दोस्तों अगर आपके पास भी एसबीआई बैंक का अकाउंट है, और दोस्तों अगर आपको भी अपना सीआईएफ नंबर पता करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आप कैसे यहाँ पे पता कर पाएंगे, देखिए ये दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल सा तरीके बताने वाला हूँ, जिस तरीके को जब आप फॉलो करोगे यहाँ पे आप 2 मिनट में अपना जो है सीआईएफ नंबर यहाँ पे पता कर पाओगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सीआईएफ नंबर क्या होता है। सीआईएफ नंबर आपका जो है बैंक का पासबुक, या पासबुक में आपको सीआईएफ नंबर मिलता है, लेकिन अगर आपके पास बैंक की पासबुक नहीं है या फिर आपकी बैंक की पासबुक आपको नहीं मिल रही है, तो कैसे यहाँ पे आप जो है सीआईएफ नंबर यहाँ पे पता कर पाएंगे? देखिए दोस्तों, कभी भी आप जब जैसे मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन SBI.com वाली वेबसाइट पे आप अपना यूज़र फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं और यूज़र नेम अगर आपको पता करना होता है, तो ऊपर ही ऊपर आपसे सीआईएफ नंबर मांगा जाता है एसबीआई बैंक का। तो वो सीआईएफ नंबर मांग के मोबाइल नंबर एंटर करके आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, और देन आप अपना ऑनलाइन एसबीआई पे अपना यूज़र नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप अपना सीआईएफ नंबर यहाँ पे भूल गए हैं, तो कैसे आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन की हेल्प से कैसे आप जो है अपना जो है स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे अपना सीआईएफ नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि कैसे यहाँ पे आप जो है केवल 2 मिनट में अपना जो है सीआईएफ नंबर यहाँ पे एसबीआई बैंक का जो सीआईएफ नंबर है वो पता कर सकते हैं। यहाँ पे अपना सीआईएफ नंबर पता करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन ओपन करना है, और योनो एसबीआई एप्लीकेशन में अपना जो है यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है या एम पिन डाल के लॉगिन करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है मैं आपको लॉगिन करके यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं या एम पिन डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरे को एम पिन याद है, तो मैं एम पिन डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जो है लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके बैंक स्टेटमेंट में आपका जो सीआईएफ नंबर होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे कैसे करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देता है, अकाउंट्स का, डिपॉजिट का, लोन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ये सारे ऑप्शन हमें दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो आपका जो भी सेविंग अकाउंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ट्रांजेक्शन का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 आइकन दिखा देते हैं, एक तो डाउनलोड वाला आइकन दिखा देता है और एक ईमेल वाला आइकन दिखा देता है। तो यहाँ पे आपको ईमेल वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जब ट्रांजेक्शन डिटेल जब आप अपने ईमेल आईडी पे आपको ले लेना है, या फिर डाउनलोड पे अगर आपने ईमेल आईडी अपडेट नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने ईमेल आईडी पे अपना जो स्टेटमेंट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, लिखा हुआ है मेल हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये ईमेल मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ चुका। देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको ईमेल यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे जो है ईमेल मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए, ये जो है ईमेल मेरे पास आ चुका है। अब ये मेरे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट का जो ईमेल है वो मेरे पास आ चुका है। अब ठीक है दोस्तों, इस बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट आता है, इस स्टेटमेंट में आपको सीआईएफ नंबर यहाँ पे मिल जाता है। अब इसका एक पासवर्ड होता है ओपन करने का, वो पासवर्ड कैसे होता है देखिए, ये पासवर्ड होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी होती है, और देन मोबाइल नंबर के ये कुछ डिजिट डालने होते हैं। तो कैसे डालने होता है, देखिए यहाँ पे आपको जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है आपका 1408 1980 14 5 1980, तो आपका जो पासवर्ड आएगा तो वो आएगा 1405@, और देन आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इन्होंने जो है एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल, योर डेट ऑफ बर्थ इज 1405 1980 एंड मोबाइल नंबर इज 9876543210, देन योर पासवर्ड विल बी 1405, यानी कि आपका डे और देन उसका मंथ एंड देन 8 डिजिट लगा के लास्ट के आपके 4 डिजिट, मोबाइल नंबर के 4 डिजिट, तो 3210 फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया हुआ। तो इस तरह से ये इसका पीडीएफ का पासवर्ड होता है, जो कि पासवर्ड आपको इस तरह से यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं अपना पीडीएफ का पासवर्ड डाल के इसको जो है लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपको पासवर्ड समझने में और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता दूंगा, वो एग्जाम्पल आप चेक कर लीजिएगा। तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ पीडीएफ। तो यहाँ पे मैं अपना पीडीएफ ओपन करके इसका जो है पासवर्ड यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। पीडीएफ का पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे मेरे को जो है यहाँ पे मेरा सीआईएफ नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा जो है सीआईएफ नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, और ये सीआईएफ नंबर यहाँ पे जो है मेरा सीआईएफ नंबर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये जो है मेरा सीआईएफ नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप भी अपना जो है एसबीआई बैंक का अकाउंट का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट का यहाँ पे सीआईएफ नंबर यहाँ पे पता कर पाएंगे। अगर आपके पास पासबुक, वैसे तो पासबुक में होता है, अगर आपके पासबुक अगर आपको
आपको पासबुक नहीं मिल रही है तो यहाँ पे आप योनो SBI एप्लीकेशन की मदद से अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेके भी जो है यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है सुझाव, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज कमेंट कीजिएगा, नाइस वीडियो करके कमेंट यहाँ पे जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे कोई भी आपका क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है CIF नंबर से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बोलते हैं हनुमान देशों मुझे बोले।